का ओपनिंग मैच होता है 6-1 टैग टीम मैच, वो तो भी सेमस की टीम और गुत्तर की टीम आमने सामने होते, काफ़ी ज़बरदस्त मैच रहता है। रिंग के अंदर तो डोमिनेशन दिखा रही होती है 6-man टैग टीम मैच, और इनके बाहर भी हमें डोमिनेशन देखने को मिलती है। एनालिसिस टेबल तक की नौबत आ जाती है टूटने की, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन वाला मैच था, काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाई मूव भी हमें इस मैच के अंदर देखने को मिलते हैं। और भाई अगर ये एक्सट्रीम रूल्स का ओपनिंग मैच अगर आपने देख लिया तो पैसा वसूल हो जाएगा इस मैच को देखने का, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड में क्या होता है, सेमस अपना फिनिशर मार देते और विक्ट्री हासिल कर लेती है सेमस की टीम इस मैच के अंदर। मैच होता है स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए, वो भी लिव मॉर्गन बना रोंडा राउजी के बीच में, काफी जबरदस्त मैच होता है। ये दोनों की दोनों सुपरस्टार एक दूसरे पे बहुत अच्छी तरीके डोमिनेशन दिखा रही होती है। स्टील चेयर का भी इस्तेमाल होता है, फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल करते दिखाई देते सुपरस्टार लिव मॉर्गन रोंडा राउजी के ऊपर इस्तेमाल करते दिखाई देते। एंड में होता क्या है, लिव मॉर्गन टेबल के ऊपर लिटा देती है रोंडा राउजी को और हाई फ्लाई मूव दे देती है लिव मॉर्गन रोंडा राउजी के ऊपर जाकर, रोंडा राउजी का अलग तरीके से जीत जाती है वो मैच शॉकिंग तरीके से। और फाइनली हमें नया स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन मिल गया है रोंडा राउजी, और लिव मॉर्गन वहाँ हंसती हुई दिखाई देती है हमें। रूस का अगला मैच होता है ड्रू मैकइंटायर बना कैरन क्रॉस के बीच में, काफी भाई साहब कितना डोमिनेशन वाला मैच था ये, काफी अच्छी तरीके से दोनों के दोनों सुपर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के मूड में आए हुए थे। ये रिंग साइड से निकल कर WWE फैंस की तरफ भी जाता है ये मैच, वहाँ भी डोमिनेशन दिखा रहे होते। जब ड्रू मैकइंटायर अपना मैच खत्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ स्कारलेट आ जाती है बीच में, उसका फायदा उठा लेते हैं कैरन क्रॉस, आके अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर रिंग साइड के अंदर आ जाता है, रिंग के अंदर वहाँ स्कारलेट फिर इंटरप्ट कर देती है, पेपर स्प्रे जैसा कुछ डाल देती है ड्रू मैकइंटायर की आंखों पर, कैरन क्रॉस अपना फिनिशर मार के वो मैच जीत जाते हैं। मैच होता है रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए, वो भी प्रियंका ब्ले और बेली के बीच में, ये मैच भी काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन वाला मैच रहता है, लेदर तक का इस्तेमाल होता है मैच के अंदर। लेकिन डैमेज कंट्रोल के मेंबर वहाँ आ जाते हैं प्रियंका ब्लेयर पे अटैक करने के लिए, लेकिन प्रियंका ब्लेयर तो भाई अलग लेवल की सुपरस्टार है WWE के अंदर, उन्होंने उन दोनों ही सुपरस्टार को अच्छी तरह से संभाल लिया और अपना फिनिशर भी मारती दिखाई दी KOD दोनों के दोनों सुपरस्टार के ऊपर एक ही बार में। भाई हमें एंड में क्या देखने को मिलता है, बेली कुछ तो करने जा ही रही होती तो वहाँ से प्रियंका ब्लेयर उठा के उन्हें भी अपना KOD यानी कि फिनिशर मार देती है और मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है, और वहाँ स्टिल रॉ वुमेन चैंपियन है प्रियंका ब्लेयर। उसका हमें सेकंड लास्ट मैच देखने को मिलता है एज बना फिन बैलर का, वो भी आई क्विड मैच, काफ़ी अच्छा मैच रहता है ये, काफ़ी अच्छी तरह की डोमिनेशन भी आ रही होती है, रिंग साइड के बाहर भी जाता है मैच, यहाँ तक बैरिकेड भी टूटा हुआ दिखाई देता है मैच के अंदर, यहाँ तक WWE फैंस के बीच में भी जाते हैं, हमें सबमिशन कराते दिखाई देते हैं एज जाकर। मैच घूम फिर के रिंग के अंदर आ जाते हैं, वहाँ से जजमेंट डे की टीम आ जाती है अटैक करने के लिए, लेकिन एज जजमेंट डे को भी संभालते दिखाई देते, स्पेयर आता है रिंग के अंदर से निकल के जजमेंट डे के ऊपर, वहां से रिया रेफरी एज का हाथ बांध देती है रस्सियों के ऊपर, तो जजमेंट डे सोचती है कि हम पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेंगे एज के ऊपर, लेकिन वहां से एंट्री हो जाती है एज की वाइफ यानी कि बैक बेनिस की, और वो देखते ही जजमेंट डे थोड़ी हिल सी जाती है उधर, फिर वो एज की हटकड़ियाँ खोल देती है उधर आकर, और एज पलटवार कर देते हैं जजमेंट डे के ऊपर आकर, एज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं जजमेंट डे को। उसके बाद क्या होता है, एज की वाइफ पे अटैक कर देती है रिया रेफरी आकर, और उसका फायदा जजमेंट डे उठा लेती है और आई क्विट करवा देते हैं। उसके बाद वो एच की वाइफ पे भी अटैक करके जजमेंट डे वहाँ से चली जाती है। फाइनल मैच देखने को मिलता है, फाइट फिट मैच होता है, वो भी सेथ रॉलिंस बना रिडल के बीच में, काफ़ी खतरनाक मैच होता है भाई साहब। ये मैच को अगर आपने एक्सट्रीम रूल्स में देख लिया वो भी शो के मेन इवेंट में, तो पैसा तो वसूल होना ही है आप लोगों का, इतना खतरनाक तरीके से डोमिनेशन कर रहे थे, यहाँ तक कि RKO देखने को मिल जाता है रिडल की तरफ से सेथ रॉलिंस के ऊपर। फिर हमें फाइट विद मैच के स्टील चेयर के ऊपर जाता हुआ मैच दिखाई देता है, वहाँ हमें RKO भी देखने को मिलता है, यहाँ तक कि हमें पेडिग्री भी देखने को मिलती है ऊपर जाकर। सेथ रॉलिंस RKO खाने के वो नीचे गिर जाते, फिर वो हाई फ्लाई मूव दे देते रिडल आकर, वो अपने सबमिशन मूव में फंसा लेते, वह टैप आउट कर देते सेथ रॉलिंस और विक्ट्री हासिल हो जाती है रिडल की। और इतनी खतरनाक मैच होता है ये, काफी अच्छी तरीके से मेन इवेंट का मैच दिया WWE ने, वो भी एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। मैच जीत गए, जब वो रिंग छोड़ के रैम साइड में चले आते हैं वहाँ अचानक लाइटें बंद हो जाती है और ब्रे वाइल्ड की आवाज आना शुरू हो जाती है, वहाँ हमें ब्रे वाइल्ड के कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, फेंड
और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उसके एंड में क्या होता है, ब्रेव वाइल्ड की एंट्री से पहले हमें उन्हें फायरफ्लाई फन हाउस भी देखने को मिलती है, जो काफी पुराना सा दिखाई देता है। फिर ब्रेव वाइल्ड की एंट्री हो जाती है दरवाजा खुलते ही, और ये चीज देखकर WWE फैंस काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली ब्रेव वाइल्ड का रिटर्न हो गया है WWE के अंदर। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी एक्सट्रीम रूल्स की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।